तो गाइस वीडियो में देखता था तो मुझे यकीन ही नहीं होता था, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ तो सच में विश्वास होने लग गया है। तो गाइस देखिए वहाँ पे सब ट्राई कर रहे हैं, ये देखिए। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित दवांगन में आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ घाघे झरना में, इसके बाद मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ उल्टा पानी के लिए। यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं उल्टा पानी। तो गाइस मैं आप लोग को अब लेके चलता हूँ आपका उल्टा पानी के लिए। अपन बाइक के पास आ चुके हैं, हमने 1 किलोमीटर का सफर तय किया फिर यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद मैं इसी रास्ते से आप लोग को लेके जा रहा हूँ उल्टा पानी के लिए। उल्टा पानी यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर पर है, तो चलिए अपन राइडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं अभी आप लोग को लेके जा रहा हूँ उल्टा पानी दिखलाने के लिए। पिछले ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखलाया था घाघी झरना, तो घाघी झरना का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी जगह है, लोग वहाँ पे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अभी मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ उल्टा पानी दिखलाने के लिए। बहुत फेमस जगह है मेन पार्ट का, जहाँ पे हर चीज़ उल्टा होता है। तो कैसे होता है वो मैं आप लोग को जाकर दिखलाने वाला हूँ। यहाँ से हो गया है आपका घाटी स्टार्ट। अगर इस रास्ते से आना होता है तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से आइए, बहुत ही ज़बरदस्त घाटी है और ख़तरनाक घाटी है, जहाँ आप लोग को थोड़े थोड़े दूर में आप लोग को मोड़ मिलेगा इस तरह से। सुबह का टाइम है करके अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला हुआ है, फिर भी अभी लगभग 11 बज चुके हैं और यहाँ पे ठंड का एहसास हो ही रहा है। ये देखिए सामने में बंदर। अगर आप लोग इस जगह पे आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे पिकनिक स्पॉट देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट ये है, मंदिर है, तो दर्शन करके आप लोग मंदिर से जा सकते हो। ये देखिए इस तरफ का जो एरिया है मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता है और उसके अगल बगल में पेड़ नज़र ही आएंगे आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है रोना व बढ़ता एंड करके लिखा हुआ है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो इस रास्ते से। मेरे ख्याल से एक ही रास्ता है यहाँ आने के लिए मेन पार्ट के लिए। नज़ारा को देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ना, इस तरह से ये देखिए, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग आते हो तो बिल्कुल सुबह से आइएगा, एक दिन में आप लोग इस जगह को घूम सकते हो, या नहीं हो पाएगा तो अगला दिन आप लोग यहाँ पे घूम सकते हो। ये देखिए पेड़, यहाँ पे मैं अभी तक देखा हूँ बाइक वाले को, देखा हूँ कार वाले को, बस अभी तक इस रास्ते में नहीं देखा हूँ। मेरे ख्याल से इस रास्ते में बस वगैरह नहीं आ पाते ऐसा लगता है मुझे। बाकी मैं जाकर देखूंगा कि वहाँ पे लोग आना जाना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस से कि इसके लिए अलग सा रूट है। बाकी हम लोग जो मैप के द्वारा देख रहे थे यही वाला रूट है जो हम लोग को दिखला रहा है। हम लोग भी यहाँ तक पूरा मैप के द्वारा यहाँ तक ही पहुँच पा रहे हैं, है ना खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए पूरा सामने में आप लोग को पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहा है, ये देखिए, और पहाड़ में एक छोटा सा घर बना हुआ है। खूबसूरत सा पेड़ नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, व्यू पॉइंट है। यहाँ पे लोग रुके हुए हैं देखने के लिए। हम लोग को लेट हो रहा है करके हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक ही दिन में जितने भी जगह हो कवर करना है, क्योंकि हम लोग हैं बाइक में, तो बाइक में शाम होते ही ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी वैसे ठंड है अभी भी, हमने तो जैकेट पहन लिए हैं, और आज हमारे साथ में पूरा ग्रुप है, 4-5 लोग एक साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ से लेना है राइट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ बतला रहे हैं, लेकिन अभी इस जगह को हटा दिया गया, तो इस बात का आप लोग याद रखिएगा
आघागी झरना से आप लोग आओगे तो करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर आने के बाद आप लोग को राइट लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप लोग को अगर कोई मिस्टेक अगर लगता है तो आप लोग यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो, या अगर नेट अवेलेबल है यहाँ पे, आपका नेट सर्वर अगर काम कर रहा है तो आप लोग बिल्कुल इस जगह को याद रखिएगा, राइट लेना है। अगर गागी झरना से होते हुए आते हो तो राइट लेना पड़ेगा, अगर दूसरे साइड से मैंने सामने वाले रास्ते से अगर आते हो तो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। मैं क्योंकि घाघी झरना से सबसे पहले आप लोगों को उल्टा पानी लेके आ रहा हूँ, और इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ये देखिए है ना खूबसूरत सा, बहुत प्यारा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रहा है, धूप निकला हुआ है लेकिन हवाएं ठंडी ही है, तो कुछ देर में पहुंचने ही वाले हैं ना, खूबसूरत सा नज़ारा सच में बहुत ही प्यारा है। मेन पार्ट मैं ही फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ, मेन पार्ट मैं बहुत मन था आने का, जो आज मैं पहुँचा हूँ। तो पहुँचने ही वाले हैं उल्टा पानी, ये देखिए सामने में आप लोग को उल्टा पानी दिखाई दे रहा है, यही जगह अपने को जाना है। यहाँ पे सामने में भीड़ है, तो इस भाई साहब को देखिए कैसे ट्राई कर रहा है, उल्टा ले जा रहा है। यहाँ पे आप लोग बाइक या कार को अगर न्यूट्रल में रखते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी बढ़ता है। गाइज मैं पहुँच गया हूँ उल्टा पानी, ये अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। आप लोग देख सकते हो पीछे यहाँ पर हम लोग ने बैग वगैरह रख दिए हैं। यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो पीछे आप लोग, ये है उल्टा पानी जो उल्टा जाता है ऐसा कहा जाता है। मैंने YouTube और Google के द्वारा पता किया तो पता चला कि यहाँ पर है ऐसा करके, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था, तो मैं सर्च मारते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। वहाँ पर देख सकते हो रोड है जहाँ से गाड़ी अगर न्यूट्रल में रहेगा तो ऊंचा स्थल पर ऑटोमेटिक बढ़ता है, तो वो सब चीज़ मैं आप लोग को दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस हम लोग उस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, वहाँ से स्टार्ट अगर करेंगे गाड़ी चलाने के लिए न्यूट्रल में तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऊपर की ओर बढ़ता है। मैं आप लोग को अगर दिखलाऊंगा बड़ा गाड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अपने बाइक को कोशिश करूंगा। एक बार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो नीचे गड्ढे हैं इस तरफ है ऊपर है, पानी इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखिए। तो गाइस वीडियो में देखता था तो मुझे यकीन ही नहीं होता था, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ तो सच में विश्वास होने लग गया है कि वाकई में ये जो स्तर आप लोग को दिखाई दे रहा है ये नीचे का स्तर है, और ये जस्ट देख रहे हो आप लोग ये ऊपर का स्तर है, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। सभी लोग कुछ न कुछ इसमें डाल के ट्राई कर रहे हैं, तो अपन भी देखते हैं आगे कहाँ से पानी आ रहा है, वो भी मैं आप लोग को दिखलाने वाला हूँ। चलते हैं, मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से है, मैं आप लोग को स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। देखिए ये पूरा जो हिस्सा आप लोग को दिखाई दे रहा है ये पूरा नीचे का हिस्सा है, आप लोग देख सकते हो ये जो पानी आ रहा है इस साइड से होते हुए नीचे की ओर बह रहा है, लेकिन ये जो पानी जा रहा है ये देखिए यकीन ही नहीं होता है सच में। क्या कर रही हो? ओ भाई। हैं? जाएगा रे दीदी किधर जा रहा? अरे वो तो गड्ढा करो तो तुम जाएगा। जाएगा नहीं। ऐसे ऐसे रहता तो अच्छा लगता। ऐसे भी क्या करना होगा पब्लिक? ये मिट्टी बहुत टाइट है। तो गाइस अपन भी कुछ डालते हैं यहाँ पर, ट्राई करते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है। कुछ भाई लोग ने यहाँ पे पत्ते वगैरह डाल के रखे हुए थे तो उसको मैं आप लोग को दिखलाया हूँ। अपन अब खुद से ट्राई करते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। आगे की ओर जा रहा है ऊपर की ओर,
तो गाइज ये आप लोग देख रहे हो, ये जो इस एरिया में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप लोग को थकावट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो थकावट लगना स्टार्ट होता है। यहाँ आश्चर्यचकित एरिया है, सोचने वाली बात है, क्योंकि होता कैसे, सच में यकीन ही नहीं होता। उन लोग देखिए ये ट्राई कर रहे हैं कि होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ है उल्टा ही हो रहा है। एरिया की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत एरिया है। इस जगह पे काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, सब अपने अपने तरीके से सब ट्राई कर रहे हैं, मतलब कुछ भी पत्ता है, कागज़ है, ये सब चीज़ डाल डाल कर ट्राई कर रहे हैं। एरिया देखिए काफ़ी खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे कुछ बना हुआ है सामने में, ये देखिए, और काफ़ी पेड़ पौधे नज़र आ, ये पूरा पहाड़ों पर है। अभी हम लोग घाटी पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। घाटी काफ़ी ख़तरनाक था। अगर आप लोग आते हो एक सिंगल, अगर बाइक में आते हो तो ठीक है, अगर दो तीन लोग आते हो तो आराम से बिल्कुल आइएगा। घाट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त घाटी है, ख़तरनाक है। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ शूट भी कर रहे हैं। अगर आते हो तो आप लोग भी एक बार फोटोग्राफ भी शूट करा सकते हो। यहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। इधर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी कुछ कुछ खाने पीने के आप लोगों को आइटम मिल जाएंगे। अभी 12 बजने वाला है, इसलिए कोहरा कम नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से हल्का हल्का धुंध नज़र आ रही है, देखिए पूरा पहाड़ों पर। इसके पहले हम लोग गए थे घाघी झरना, वहाँ पर भी पहाड़ों पर था एरिया। और इस तरह से ये देखिए फोटो शूट वगैरह भी करा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस पीछे में लगे हुए हैं स्टॉल खाने पीने के लिए, अगर आप लोग खाना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ भी नाश्ता चाय अगर पीना चाहते हो तो आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हो। गाइस इस जगह को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सब लगे हुए हैं, सब अपने अपने कुछ ना कुछ सब डाल डाल कर ट्राई कर रहे हैं। तो हमने कुछ कुछ ट्राई किए थे और कुछ भाई लोग ने भी ट्राई किए, उसको भी मैं आप लोग को दिखलाया हूँ। तो इस तरह से हैं, अगर आप लोग आना चाहते तो बिल्कुल आ सकते हो। ये है अंबिकापुर से 40 से 50 किलोमीटर दूर है और एंड पार्ट में ही है। घाघी झरना से यह 20 से 22 किलोमीटर दूर पर है। इस तरफ का एरिया देखिए बहुत ही खूबसूरत है। अभी लगभग के हैं 12 बज चुके हैं, आप लोग देखिए एरिया खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी जगह पे हैं। घाटी है, पेड़ पौधे भी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी ठंड का मौसम है तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोग ठंड के सीजन में आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा बारिश के दिनों में, क्योंकि बारिश के दिनों में रास्ते थोड़ा सा कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बारिश के दिनों में मज़ा भी नहीं आता। अगर आप लोग आना चाहते हो तो ठंड के मौसम में ट्राई करिएगा, नवंबर से लेकर मार्च तक आप लोग बिल्कुल आ सकते हो। तो ये देखिए तो गाइज आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है मेन पार्ट से रिलेटेड रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे जाना ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ।